Harris says, get the fuck out. तो कैसा लगा? मैं जानता हूँ आपको भी ये सीखना है, तो भाई हम किस लिए बैठे हुए हैं, हम सिखाएंगे। आप जानते हैं, आप भी बहुत ही आसानी से आप ये स्टंट सीख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा और आप आसानी से सीख भी पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय, आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब मैं सबसे इजी तरीका बताऊंगा आपको फ्लेयर सीखने का, बहुत ही आसान है। पर उससे पहले आपको कुछ टिप्स बता देता हूं। सबसे पहले आप सीखने से पहले मैं चाहूंगा आप इस नी पैड को पहन लीजिए, आपको चोट ना लगे, ताकि ठीक है, आपकी सेफ्टी सबसे पहले है, दोनों तरफ से पहन लीजिए। और एक बात और बताना चाहूंगा, आपने बहुत से ट्यूटोरियल वीडियो देखी होगी, आपने उसमें देखा होगा कि फ्लेयर्स बहुत तरीके के लोग बताते हैं, अलग अलग तरीका होता है लोगों को बताने का। कोई कहते हैं कि अब ये हाथ यहाँ रखेंगे, ये पैर यहाँ आएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, तो वो एग्जैक्टली वो वीडियो पूरी नहीं होती है। जब पूरा तरीका होता है सीखने का वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो छोटी से छोटी बने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आप इस तरह से आप बैठ जाइए, ठीक है। और जब आप अगर लेफ्ट साइड से पैर मारना चाहते हो आप लेफ्ट साइड से करिए, राइट साइड से मारना चाहेंगे तो आप राइट साइड से करिए। मैं तो राइट साइड की तरफ से प्लेयर मारता हूँ, ठीक है। तो आप दोनों हाथ ऐसे रख लीजिए, दोनों पैरों को पीछे से ऐसे ज्वाइन करिए इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका राउंड है वो आना चाहिए, ठीक है। अगर आपका राउंड नहीं आएगा तो आप डायरेक्टली वो सब सीख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। राउंड मारना सीखेंगे पहले, हाथ इस तरह से रखिए, ठीक है, अपने अंदर थोड़ी जान लगाइए और इस तरह से दोनों पैर को चिपका के ये इस तरह से बैठेंगे, ठीक है। फिर से ये करा, फिर राउंड करेंगे वन, सिर्फ आधा। अब यही चीज हमें पीछे भी करना है, ठीक है। राइट हैंड को इधर की तरफ थोड़ा सा वेट रखिए और इस तरह से दोनों पैरों को ये, ठीक है। फिर से वन टू थ्री ये, ठीक है। अब देखिए, कोशिश करना है, अगर आपको इतना आ जाए तो आप एक राउंड मारने की कोशिश करिए, ठीक है, इस तरह से एंड जुप, ठीक है। फिर से वन टू थ्री स्टार्ट, वन एंड टू। अब आगे से क्या होता है, हम अपने पैर खोलते हैं, जैसा मैं सीखा वही चीज करेंगे, लेकिन हम इस बार हम पैर खोलने की कोशिश करेंगे ये एंड क्लोज। फिर से वन टू थ्री स्टार्ट, ठीक है, धीरे धीरे पैर खोलने की कोशिश करना। फिर से वन टू थ्री स्टार्ट, ठीक है। बहुत ही आसान है, सीखने में ज्यादा पावर लगती है, अगर सीख गए आप तो उस वक्त ज्यादा पावर नहीं लगानी। अब वो स्टेप यहाँ से आएगा, ठीक है। हमने ये हाथ नीचे रखा, ठीक है, ये वाला हाथ लेफ्ट वाला पैर घुमा के इस तरह से पैर यहाँ आ जाएंगे, और जो राइट वाला है वो इस तरह से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर से वन टू थ्री स्टार्ट, वन एंड टू, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये याद रखना, ये पैर उठाना बहुत जरूरी है, अगर ये पैर नहीं उठेगा तो आपके ये पैर नीचे से नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा आगे मारने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा ये, ठीक है। बहुत ही आसान है लेकिन करने में मुश्किल है। फिर से वन एंड टू, ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है, मुश्किल ये है जब हम ये वाला पैर लेफ्ट वाले को आगे लाते हैं, ये पैर ऊपर और ये धीरे धीरे इस तरह से नीचे आएगा और ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमें ये पैर नीचे नहीं मारना, याद रखना, अगर हम साइड से ये इस तरह से आएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप, ये पैर ऊपर आया इस तरह से, पर याद है ना, हाथों से बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये वन एंड ये चीज ध्यान दो, ये पैर उठेगा,
जितनी टाइमिंग में जितना टाइम हमें ये वाला पैर उठाने में लगा उतना टाइम हमें इस पैर को भी देना है, तभी आपका यहाँ से ये पैर नीचे से आएगा। देखिए ये वाला पैर आया पीछे से, ये उठाया एंड जो ये वाला पैर है वो इस तरह से, ये पैर अगर नहीं उठाओगे दूसरा राउंड नहीं लगेगा। अगर आपने ऐसे करने के बाद ये बस आप यहीं अटक जाओगे। स्टार्ट 1 एंड 2, ठीक है। अब देखिए थोड़ा मुश्किल अब क्या है, मुश्किल ये है जब आपके स्टेप यहाँ तक आ जाएंगे ना तो उसके बाद आपको पीछे से उठाने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो जब ये मतलब जिस तरह से हमने स्टार्टिंग की थी ना, तो हमने ये स्टार्टिंग करती, तो ये करने के बाद वापस से फिर हमें ये आना ज़रूरी है, तभी हमारा दूसरा राउंड क्लियर आएगा, ठीक है। वैसे जिनको क्लियर नहीं करना है वो थोड़ा नीचे होके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट फोर्स बहुत ज़रूरी है। अब आपको एक चीज बता देता हूँ, सबसे आसान तरीका, ये आया राइट वाला पैर, सॉरी लेफ्ट वाला पैर है, हमने यहाँ रखा था, तो ये वाला पैर उठा, तो इस हाथ से ये उठाएंगे एंड ये, ठीक है, तभी हमारा ये पहला राउंड क्लियर होगा। आपको इससे थोड़ा बैलेंस करना ज़रूरी है, ये आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ कैसे करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड शेयर ज़रूर करना। अगर आपके रिस्पांस मुझे ज़्यादा मिलेंगे मेरे अंदर उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा, मैं उतनी ज़्यादा वीडियोस आपके लिए निकालता रहूँगा ट्यूटोरियल्स के। और जो लोग मेरे नए मेहमान हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे लाल बटन दबा के, जिन्होंने मुझको सब्सक्राइब पहले से कर रखा है वो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि सबसे पहले अपडेट्स आप तक पहुंचे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, गुड बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे।